के पहुँच चुका हूँ यशवंतपुर रेलवे स्टेशन, और मेरे पास अभी मिनिमम 40 मिनट्स जैसा टाइम है ट्रेन छोड़ने के लिए। तो ट्रेन यहीं से छोड़ेगी और आप मेरे पीछे देख सकते हो स्टेशन। तो अभी इसलिए तो मैं साथ में कुछ नहीं लाया हूँ, तो इसी शॉप से कुछ खाने का ख़रीद लेता हूँ, उसके बाद फिर ट्रेन के अंदर बैठ। ट्रेन से मैं जाने वाला हूँ और वो सामने जो बॉगी है S2, इधर ही मेरा सीट है। तो मैं अभी ट्रेन के अंदर जाता हूँ, जाके देखता हूँ। सीट मिल गई है मेरी, वो सामने मेरा बैग रखा हुआ है। और बाहर आप ये देख सकते हैं स्टेशन व्यू। 8 hours later. सो हेलो गाइज, वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम हॉस्पिटल। सो कैसे है गाइज़, आप सब लोग होप सब अच्छे हैं और मैं भी ठीक हूँ। तो गाइज अभी अभी जस्ट मैं आके पहुँच चुका हूँ हॉस्पिटल स्टेशन, और यहाँ से मैं जाने वाला हूँ हम्पी, जो कि 14-15 किलोमीटर्स है। तो बाई बस मैं जाऊँगा और मैं पूरा एक्सप्लोर करने वाला हूँ हम्पी शहर, जो कि विजयनगर एम्पायर का क्या बोलते हैं आपको कैपिटल हुआ करता था, अभी जो पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका है। तो वहाँ पे जाएंगे, पूरा एक्सप्लोर करेंगे। और आप ये रही स्टेशन हॉस्पिटल जंक्शन, काफ़ी खूबसूरत सा इन्होंने ये स्टेशन बना के रखा है। जिस हमने ये ऑटो लिया है, यहाँ से बस स्टैंड तक जाएंगे, फिर उधर से बस ले लेंगे। सुबह आके मैं पहुंच चुका हूं हम्पी बस स्टॉप, और वो देख पा रहे हैं आप सनराइज़ हो रहा है। इसी बस से मैं आया। सो गाइज अभी मैं आ चुका हूं विरूपक्ष टेंपल, जो कि हम्पी में है, और हम्पी विजयनगर एम्पायर जो था उसका कैपिटल हुआ करता था। और मैं अभी वहीं पे आ चुका हूं, और ये विरूपक्ष टेंपल बेसिकली लॉर्ड विरूपक्षा जो है उसे लिया हूं हम्पी का मैप, जो ये मैप फॉलो करके मैं पूरा एक्सप्लोर करूँगा। सामने टेंपल है, और ये सारे आप जो देख पा रहे हो ये पूरा पहले बाज़ार हुआ करता था, दोनों साइड से इधर भी है, ये बाज़ार का पूरा शॉप्स हुआ करता था। तो अभी सामने अंदर जाते हैं टेंपल के अंदर। जूता रख दूंगा क्योंकि जूता लेके अंदर नहीं जा सकते मंदिर पे, तो आई थिंक इधर 2 rupees लेते हैं जूता रखने का, रखने के बाद मैं अंदर जाऊंगा। सूरज निकल रहा है और कितना खूबसूरत दिख रहा है सुबह।
अंकल लेके जा रहे हैं मंदिर के पीछे। यहाँ पे कुछ स्पेशल जगह है जो कि दिखाएंगे और एक्सप्लेन करेंगे, तो जान लेते हैं अंकल से क्या क्या स्पेशल है यहाँ पे। सो इधर से अंदर जाना है। ओके फ्लैश ऑफ मैडम, देखो बाहर एक दिन गोपुरम है, 165 फीट हाइट है, 52 मीटर 11 फ्लोर है। सुबह 6 बजे से शाम को 6 बजे तक ऐसा उल्टे दिखता है। इंग्लिश में पिनहोल कैमरा टेक्नोलॉजी मिलता है। ओके, वो बिल्ड बाय इंजीनियर का नाम डिस्टर्ब है, बोलो वो कौन तो मुझे कहता हूँ फ्लैश, ये फ्लैश ऑफ करो, नहीं नहीं दिख रहा है प्रिंटिंग हमें इधर इस कड़ा हुआ जूम दिखा दो इधर से बाहर जो मेन का वीरभद्र टेम्पल का टावर है, टावर यहाँ पे उल्टा दिख रहा है। 700 साल पुराना टेम्पल, वेरी ओल्ड टेम्पल, ध्यान का मंदिर बोलते हैं। विष्णु शिव जी एक ही गर्भगृह में, चाहिए फोटो निकाल को दर्शन कर ले को, एक दो मिनट मेडिटेशन कर को बाहर आ सकते इसके अंदर बैठा रहते। ओके ओके, जाके देखते हैं। अंकल ने बताया हमें कि ये 700 साल पुराना मंदिर है और अभी यहाँ पे लाइट जला हुआ है। सो और यहाँ से स्पेशली सीधा ऊपर तक दिखता है और सनलाइट आता है यहाँ पे, लाइट का ऐसे भी कोई ज़रूरत नहीं है। बता रहे वे टू रिवर, तो शायद इस रास्ते से सामने रिवर की तरफ जा सकते हैं, तो उधर भी जाके देखता हूँ मैं। सामने वहाँ पे बस स्टॉप है और वहाँ से मैं इधर सामने गया था जो कि वीरूपाक्ष टेम्पल के अंदर, तो यहाँ से अच्छा व्यू नहीं दिख रहा है और इधर से मैं ऊपर आया और ऊपर जाके देखता हूँ। सो मेरे पीछे कुछ लोग जो अभी उधर गए, सो वो मेरे को पूछ रहे थे कि आप कहाँ से हो, बोला बंगाल से हूँ, बोला हाँ आप अकेले आ गए बंगाल से। सो भाई सोलो ट्रैवल कर रहे हैं, मैं उन्हें बताया कि मैं बंगाल से नहीं आया हूँ, मैं बेंगलोर में रहता हूँ और उधर से अकेले आया हूँ। तो नाश्ता वगैरह कुछ तो नहीं किया हूँ, इधर एक दुकान दिख रहा है, अगर पूछ लेता हूँ कुछ मिलेगा तो इधर नाश्ता कर लूँगा। भैया खाने का कुछ मिलेगा, खाने का कुछ मिल जाएगा, डोसा है, इडली है, डोसा मिल जाएगा, डोसा मिल जाएगा, डोसा कितना प्लेट है? 40। सो अभी यहाँ पे ब्रेकफास्ट के लिए मैं रुका हूँ, बाल भी भरा होगी और स्वेटर भी निकालना है, बहुत अभी धूप निकल रहा है तो थोड़ी गर्मी होगी। तो यहाँ पे ट्रैवल के लिए वो लोग बोला कि कम से कम ये एरिया जो है 30 किलोमीटर का है, तो तुम साइकिल ले सकते हो जो कि पर डे 150 रुपीज़ लेता है, और नहीं तो साइकिल अगर नहीं चाहिए तुम्हें तो बाइक ले सकते हो, बाइक के साथ एक गाइड मिलेगा तो वो कम से कम 1200-1500 रुपये लेंगे, और ऑटो भी ऑप्शन है, ऑटो में भी जा सकते हो। तो हमारे पास तो उतना बजट नहीं है, हमको कम बजट में ट्रैवल करना है, तो अभी नाश्ता कर लेते हैं उसके बाद देखेंगे क्या होता है, कैसे करेंगे ट्रैवल। मैप के हिसाब से मैं जाऊँगा और अभी मैं हूँ यहाँ पे हम्पी बाज़ार और मैंने विज़िट किया ये वीरूपाक्ष टेम्पल, तो ये सारी चीज़ मुझे कवर करना है।
देखता हूँ कितना कवर कर सकता हूँ, और मैं जो पूरा ट्रिप कर रहा हूँ इसका मेरे को कितना खर्चा हो रहा है वो मैं पर्सनली इधर इस पर नोट कर रहा हूँ। वीडियो को मैं यहीं तक एंड करता हूँ। तो गाइस अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर से करना।